समधी के प्यार में पागल हुई समधन, छह बच्चों की मां समधी के साथ हुई फरार, बेटी का किया रिश्ता लेकिन समधी को दिल दे बैठी माँ। मेरी बीवी को शकील गणेश्वर वाला किडनैप करके ले गया है और मेरी बीवी पहले लड़की का रिश्ता चलता रहा उसके लड़के के साथ में, आना जाना हुआ घर का, आने जाने के बाद मेरी बीवी को बेला फुसला के ले गया। आपकी स्क्रीन पर चार बच्चों के साथ एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा, इसका नाम है पप्पू। गोद में बच्चे को लेकर पप्पू अपनी बीवी से घर लौट आने की गुहार लगा रहा है। इनका कहना है कि इनकी बीवी समधी के साथ ही फरार हो गई है। दरअसल कासगंज के रहने वाले पप्पू ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी शकील नाम के एक व्यक्ति के बेटे से तय की थी। जल्द ही शादी की शहनाई बजने वाली थी और इसी वजह से शकील का लड़की के घर आना जाना होने लगा। इसी दौरान समधी और समधन के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। 10 बच्चों के बाप शकील ने ना तो रिश्तों की परवाह की, ना ही 6 बच्चों की मां ने अपने बच्चों को देखा। पति और बच्चों को छोड़ समधी समधन प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घर से फरार हो गए। जब इस बात की भनक महिला के पति को लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन उसने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। क्या मामला है आपका? मेरी बीवी को शकील गणेश्वर वाला किडनैप करके ले गया है और मेरी बीवी पहले लड़की का रिश्ता चलता रहा उसके लड़के के साथ में, आना जाना हुआ घर का, आने जाने के बाद मेरी बीवी को बेला फुसला के ले गया। मेरी बीवी के पते नहीं चल रहे हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, मैं ढूंढा खबूरी कर रहा हूँ। आपने ऐसे मामले की शिकायत पुलिस में की? पुलिस में करी 3 तारीख को 6 महीने में मैंने, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कैसी भी, मुझे गुमराह करा जा रहा है। किस थाने का मामला है? गंडनवारा थाने का, भैया गुमराह करा जा रहा है। सुबह बिठा लेते हैं 10 बजे के थाने आ जा, बिठा ले रहते हैं, शाम को ये कह देते हैं कि अब जा कल लाइए, कोई मेरी सुनवाई कैसी भी नहीं हो रही है, मैं परेशान हूँ बहुत ज्यादा। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरी बीवी को ढूंढ के जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे और लेके आए कहाँ पे कहाँ पे नहीं है। पप्पू ने 8 जून को पुलिस में ये मामला दर्ज करवाया था लेकिन अब तक इस मामले में पुलिस महिला तक नहीं पहुंच पाई है। थाना गजडुलवारा के ग्राम सुजावलपुर निवासी श्री पप्पू द्वारा दिनांक 8 जून 2024 को यह सूचना दी गई कि उनकी पत्नी 3 जून से लापता है। इस संबंध में थाना गजडुलवारा पर तत्काल मौजूदगी दर्ज की गई। श्री पप्पू द्वारा दिनांक 11/7 को पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा गणेशपुर निवासी शकील आदि पर आरोप अंकित किया कि वह उनकी पत्नी को भगा ले गए हैं। इस संबंध में नियमानुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रचलित है, वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बता दें कि 10 बच्चों के बाप समधी का 6 बच्चों की मां समधन को लेकर भागने का ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बेहद ही अनोखा मामला है, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि बेटी की शादी से पहले समधी समधन को ले उड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।